देखिए जो अभी तक हम लोग रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, हम लोगों ने टाइप वन सीखा। टाइप वन में हम लोगों ने देखा था कि कितने वेरिएशंस टेंस में दोनों साइड हो सकते हैं, शर्त के साइड में भी और परिणाम के साइड में, ठीक है। फिर हम लोग एक वेरिएशन करते करते टाइप टू पर पहुंच गए, जिसमें हम लोग ऐसा कुछ कंडीशनल सेंटेंस देखे जिसमें रियलिटी से लेना देना नहीं है, जिसमें हम लोग अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते। याद है कुछ? अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिलते तो आप क्या करते? तो सर अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिलते तो मैं पहले गिन कर ये कंफर्म करता कि 1 करोड़ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस थे। आज जो सेंटेंस है वो अलग तरह का है। देखिए सेंटेंस पहले, अगर आप कल यहाँ आते, कौन सा कल? आने वाले कल की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की? तो अगर आप कल यहाँ आते, इसका मतलब ये बोलने से ही पता चलता है आप आए थे कि नहीं आए थे। नहीं आए थे, बोलने से पता चल रहा है, राइट। तो अगर आप कल यहाँ आते तो आप बहुत सारी नई और उपयोगी चीजें सीखते। तो आप सीखे कि नहीं सीखे? मतलब ये जो शर्त है पास्ट का, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है पास्ट का अपूर्ण शर्त, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। क्लियर है सबको? और जब शर्त ही पूरा नहीं हुआ तो ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सेंटेंस पढ़ने से अपने आप पता चल जाता है कि अगर आप कल यहाँ आते, जो कि आप आए नहीं, तो आप बहुत सारी नई और यूजफुल चीजें सीखते जो आप सीख नहीं पाए क्योंकि आप कल आए ही नहीं थे। हाँ कि नहीं? अगर मैं मैट्रिक के टाइम और मेहनत करता तो मुझे ज्यादा अच्छे थे, तो मैंने उस टाइम मेहनत नहीं किया और मुझे अच्छे नंबर नहीं आए। मतलब ये सेंटेंस कहीं ना कहीं रिग्रेट को शो करता है, डजंट इट? है ना, कि आप अफसोस कर रहे हैं कि यदि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा नहीं करते, यदि हम पापा को मुंह लगे जवाब नहीं देते तो मेरी पिटाई नहीं होती। सही बोल रहे ना? तो क्यों बोल रहे थे? सब सही बोल रहे, पता है सही है ही। मुंह लगे जवाब देना का अंग्रेजी क्या होता है? आंसर बैक। तो ये सब सेंटेंस ऐसा है, ये वाला पास्ट का पूर्ण शर्त वाला, जो बताता है कि कंडीशन वाज देयर इन द पास्ट एंड दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, राइट गाइस। एंड ये कहते समय मन में अफसोस लगता है, ठीक है। अगर कल आप यहां होते तो आप भी मंचूरियन और रसगुल्ला का पार्टी करते। आप थे ही नहीं, कहां थे? सच में इसको क्यों नहीं दिए हम लोग? अच्छा ठीक है, देखो तो आप क्या करते हैं ना, इस पास्ट के बारे में बात करने के लिए हम इफ के साथ हेड प्लस V3 यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं? हेड प्लस V3। हेड प्लस V3 कौन सा टेंस होता है, कोई बता सकता है आपको क्या? पास्ट परफेक्ट होता है। आप देख लो यहाँ पर इफ के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हेड प्लस V3। और इधर रिजल्ट वाले क्लाउज में हम लोग वुड हैव के साथ V3 यूज कर रहे हैं। दिस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, राइट? अब देखिए जब कल आप यहाँ आते, इफ यू हैड कम हियर यस्टरडे, यहाँ कोई ना कोई एक वर्ड या कोई फ्रेज या कोई सिचुएशन ऐसा रहना चाहिए जिससे पास्ट का पता चले। क्लियर है? तो के लिए हम लोग क्या लगाते रहे हमेशा से? कॉमा लगा दिए। बोलचाल में लोग देन लगा देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्स में उसको अवॉइड करना है वरना आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट तो आप SVO से पता कर लीजिएगा, और वर्ब में स्ट्रक्चर वुड हैव के साथ क्या लगाया आपने? V3। अब आपके लिए V3 चैलेंज होगा कभी कभी। इसके लिए मैंने आपको दिया है, बुक दे दिया है, बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर, उसके लास्ट पेज में है वो सभी इररेगुलर वर्ब्स जिनका ED लगा करके V3 नहीं बनाया जा सकता है, उनका लिस्ट हमने दे दिया है। आप अगर उसको याद कर लेते हैं तो बाकी जो बच में क्या करना है आपको? ED लगा देना है, कॉमन हो गया, एकदम बहुत सरल और ईजी तरीका हो गया कि नहीं? तो लर्न हो गया, ए लॉट ऑफ न्यू एंड यूजफुल थिंग्स SVO के हिसाब से पता चल गया, राइट है? कठिन चीज था क्या? अब जरा देखो, हमने टाइप 4 में लिखा है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। मिक्स्ड का मतलब क्या? मिक्स्ड का मतलब कि मिला हुआ, है ना? जैसे इसमें हम लोग पूरा किसके बारे में बात कर रहे थे? पास्ट के बारे में। इसके पहले जो कल्पना वाली चीजें थी उसमें टेंस लिखाता था पास्ट, लेकिन बात या तो प्रेजेंट के बारे में होता था या फ्यूचर की कल्पना करते। कल्पना हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर की ही होती है, राइट? और उसके पहले टाइप 1 जो था उसमें हमेशा हम लोग सिर्फ फ्यूचर की बात करते थे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास कर जाएंगे, अगर आप रेगुलर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी,
हाँ कि नहीं, यदि आप नियमित रूप से क्लास अटेंड करेंगे तो आप अंग्रेजी में बहुत तेज हो जाएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस, कुछ याद है सर? तो वो सिर्फ फ्यूचर था। टाइप टू में आया तो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर रहा, और इसमें आया तो सिर्फ पास्ट हुआ। लेकिन टाइप फोर में हम लोग जाएंगे तो मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड कैसे? सेंटेंस देखिए, अगर आप कल क्लास में आए होते, कल मतलब आज वाले, आने वाले कल की, बीता हुआ कल, कल क्लास में आए होते तो आज आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते। मतलब ये शर्त कब है? पास्ट में, हालांकि पूरा नहीं हुआ, लेकिन कब का बात हो रहा है और ये रिजल्ट कब का बात हो रहा है? देखो भाई, यहां से पता चल जाता है प्रेजेंट, हाँ कि ना? इसीलिए हमने इसको कहा कि ये मिक्स्ड कंडीशनल है, मिक्स्ड है इसमें, है ना? इसमें कंडीशन पास्ट में है और रिजल्ट प्रेजेंट में। अगर मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में और अधिक मेहनत किया होता तो आज मैं किसी अच्छे पोस्ट पर होता। स्टूडेंट लाइफ बीत गया, मेहनत किया होता और रिजल्ट प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, आज मैं किसी अच्छे पोस्ट पर होता, इसमें मिक्स्ड हो गया ना। तो हमारा कंडीशन जो है इसमें पास्ट में है, तो कंडीशन पास्ट में है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, क्लियर है? और हमारा रिजल्ट क्या है? प्रेजेंट में है, तो हम लोग यहां क्या यूज कर रहे हैं? रिजल्ट में वुड प्लस बी वन, क्लियर है सबको? इफ यू हैड अटेंडेड, क्लास में आना मतलब अटेंड द क्लास, इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास, कब? पास्ट का वर्ड पता चल रहा है इससे, पास्ट, तो के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? यू वुड आंसर देते, हाँ, वुड प्लस भी वन कंडीशनल में प्रेजेंट के बारे में बात करता है या फ्यूचर के बारे में बात करता है जब कंडीशनल में है, ठीक है? वुड आंसर माय क्वेश्चंस टुडे, पता चल गया ना प्रेजेंट? एक प्रेजेंट वाला वर्ड भी आना चाहिए। तो इससे क्या फायदा आप रहा है कि आप ये दे देते हैं तो एक क्लियर पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट प्रेजेंट में है। जैसे ही एक चीज का यहाँ चर्चा हो गया तो पता चलेगा कि कंडीशन पास्ट में है, है ना? तो कोई भी बात हम लिखें या बोले उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। जी चलिए, अब हम लोग देखिए, इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सिचुएशंस को देख चुके कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के स्पेलिंग, यस, वेरी गुड। आप हिंदी में कैसे पहचानते हैं इस टेंस को, बताइए? रहा है, रही है से पहचानते हैं, ठीक है? कहां रहेगा ये? वर्ब के एंड में, हिंदी सेंटेंसेस, राइट? अंग्रेजी में इसको कैसे पहचानिएगा आप? सिर्फ आईएनजी से नहीं होगा भाई, हाँ, इज आर एम भी होना पड़ेगा इसके साथ, और तब आईएनजी वाला वर्ब होगा, तब पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? आप इन दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। देख ले एक बार कि सही रेंज में आ रहा है ना कैमरे का, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है? हाँ सर, बाउंड्री मार दिया सर, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आवाज से पता चल जाता है। जी, अब हम इस पे यदि जरूरत से ज्यादा ध्यान देंगे तो आपकी पढ़ाई को हम अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम फोकस करते हैं कि ना कटे, ठीक है? देखिए, इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी, यही पहचान है। बोले सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, प्यारे बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कभी टेंस नहीं पता चलता, टेंस पता चलता है वर्ब से। हम लोग शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, आप रिविजन में देखिएगा उसको, और इसके बाद इधर क्या आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकेंड, एम पी टी, कुछ भी हो सकता है, राइट है? लेकिन आपका जो टेंस पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम से, और मेन वर्ब किससे प्यारे बच्चों? आईएनजी से, क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कुछ सेंटेंसेज यहां लिख रहे हैं, लिखें कि नहीं लिखें? आज लिख देते आज, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को सच में संस्कृत पढ़ा रहा हूं, संस्कृत पढ़ा रहा हूं, है ना प्यारे बच्चों? नो सर, सर का बात काटते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? देखिए एक और, वह आजकल एक
नई किताब लिख रहा है। आजकल क्या लिख रहा है? एक नई किताब लिख रहा है। ये सब सेंटेंसेस आपको किस में दिख रहे हैं? रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। मेरे मामा जी, आज हम याद कर रहे हैं उनको, ठीक है। अगले वर्ष एक कार खरीद रहे हैं, या खरीदने जा रहे हैं, खरीद रहे हैं या खरीदने खरीदने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं भाई जी? ठीक है, एक और, वे लोग कुछ शरारत करने जा रहे हैं। दिख रहा आपको सारा सेंटेंस? आप देख रहे हैं इन सभी हिंदी सेंटेंसेस के वर्ब के एंड में आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है। हाँ या ना बोलिएगा, है ना? देखिए, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, अथवा रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब दिख रहा है ना। जनरली हम लोगों ने यही सीखा है कि यदि सेंटेंस में हिंदी में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट है कि रॉन्ग है? है भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबका यदि हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम से। लेकिन देखिए, तो जब बोलते हैं कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम की बात होती है कि नहीं? हाँ या ना? प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू, एक्शन कंटिन्यू। राइट है कि रॉन्ग है? अब इसमें देखिए, तो वह आजकल एक नई किताब लिख रहा है, क्या अभी लिख रहा है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आजकल लिख रहा है। आजकल का मतलब क्या? प्रेजेंट में हो चाहे ना हो, प्रेजेंट के अराउंड। प्रेजेंट तो अभी है ना, सिर्फ इस मोमेंट को प्रेजेंट कहते हैं, हर पल मोमेंट पास्ट होते जा रहा है, हाँ या ना? तो इस मोमेंट को प्रेजेंट कहते हैं। तो आजकल लिख रहा है तो हो सकता है कि इस मोमेंट में वो लिख रहा होगा घर पे बैठ के, हो सकता है कि ब्रश कर रहा होगा, लेकिन आजकल का मतलब है कि इस मोमेंट यानी इस प्रेजेंट टाइम के अराउंड में तो वो काम कर रहा है ना। तो प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू नहीं है, प्रेजेंट के अराउंड, प्रेजेंट टाइम के अराउंड, आया ना? काम जारी है, काम मतलब एक्शन कंटिन्यू है। राइट है कि रॉन्ग है? हाँ या ना? अभी देखो, मेरे मामा जी अगले वर्ष एक कार खरीद रहे हैं, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, बट बात कब की हो रही है जरा देखो तो, मतलब अगले वर्ष, मतलब फ्यूचर, ये फ्यूचर का प्लानिंग है, अगले वर्ष खरीद रहे तो, हाँ या ना? तो हम लोग एक सिचुएशन ये भी देख रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर प्लान के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो? मतलब हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं से होता है, पहचान भी लिया, अंग्रेजी में पहचान लिया कि इज आर एम और वी फोर आई एन जी वाले से होता है, इतना तक क्लियर है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखते जा रहे हैं कि हम लोग कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है लाइफ में जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। तो पहला सिचुएशन देखा कि कभी भी हम लोग प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करेंगे कि कोई एक्शन कंटिन्यू है तो वहां पर हम लोग कौन सा टेंस यूज कर रहे होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा सिचुएशन हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टाइम में हो चाहे नहीं, प्रेजेंट टाइम के अराउंड कोई एक्शन कंटिन्यू है तो भी हम लोग कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि वी आर नेवर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, राइट एट ऑल? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट एट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। एंड इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग, इट इज अ प्लान, फ्यूचर प्लान है हम लोगों का। देखिए, मामा जी अगले वर्ष कार खरीद रहे, इसका मतलब उनका प्लान है अगले वर्ष खरीदने का। सो वी आर फ्यूचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान एंड वी आर यूजिंग विच टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है? और यहां देखिए, वे लोग कुछ शरारत करने जा रहे हैं, अच्छे से देखिए, नहीं लग रहा है कि उनके इरादों के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जब हम इरादों के बारे में बात करते हैं देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट फ्यूचर,
और जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट? इतना सिचुएशन है जहां हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है। देखिए अंग्रेजी, मैं अभी आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। SBO तो करना आ गया है ना? नहीं है तो यदि आप पहला दिन का रिवीजन कर लीजिए देख करके, उसमें है दिया हुआ। आई एम टीचिंग यू क्या इंग्लिश नाउ, नाउ की जगह एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट कुछ भी लिख सकते थे, राइट है? देखिए दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, इज आर एम के साथ भी फोर और प्रेजेंट टाइम, राइट? अब इसमें लिख रहा है कि वह आजकल एक नई किताब लिख रहा है, ही इज राइटिंग न्यू बुक दीज डेज या नाउ डेज, कुछ लोग टुडे भी लिखेंगे। इस राइटिंग से तो ये पता चल रहा है कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हुए, और दीज डेज से पता चल रहा है कि नॉट नेसेसरली एट प्रेजेंट बट अराउंड द प्रेजेंट टाइम, राइट? फिर मेरे मामा जी अगले वर्ष एक कार खरीद रहे हैं, माई मामा जी इज बाइंग या इज गोइंग टू बाई हो सकता है, गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, राइट? अब आप देखिए यहां पर आप देख रहे हैं इज गोइ इज बाइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके जगह ये एक अलग स्पेशल स्ट्रक्चर आ रहा है इज गोइंग टू बाय, प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए, राइट? जब आप ये लिख रहे हैं कि मेरे मामा जी एक कार खरीद रहे हैं अगले वर्ष, तो इज बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। यदि हम ऐसा लिखें कि मेरे मामा जी एक कार खरीदने जा रहे हैं, तो ऊपर भी तो फ्यूचर का ही पता चल रहा है, हाँ या ना? तो इज गोइंग टू बाय लिखें, तो ये जो फ्यूचर टाइम वाला वर्ड यूज किया गया है ये कंपल्सरी नहीं होगा कि देना ही, लेकिन जब हम इसको लिख रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं तब ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पूछे क्यों? क्योंकि यदि इसको सिर्फ लिखे इज बाइंग और इसको नहीं लिखे तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो सकता है कि प्रेजेंट की फ्यूचर। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, क्लैरिटी को लाने के लिए हम लोग इसका चर्चा कर देते हैं, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं कि इज गोइंग टू बाय, इट मीन्स ये निश्चित है कि अभी नहीं खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम। तो इसीलिए इज गोइंग टू बाय जब हम लिखते हैं तब ये कंपल्सरी नहीं होता। क्लियर है सबको? एकदम इजी वे में। नहीं क्लियर है? सब लोग को क्लियर है? कभी कभी आपके चेहरे पर बहुत, मतलब आप छात्रों के चेहरे पर बहुत चिंता की रेखाएं हम देखते हैं, ठीक है? तो हम भी चिंतित हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना सबको? बहुत कठिन चीज पढ़ा रहे ना हम आपको? नहीं कठिन चीज है? लास्ट सेंटेंस देख ले, वे लोग कुछ शरारत करने जा रहे हैं। क्या बोलिए? दे आर गोइंग टू, क्या आगे गोइंग टू के बाद? दे आर गोइंग टू मेक सम मिसचीफ, शरारत करना, डू मिसचीफ, मेक मिसचीफ, ठीक है? अब देखिए फिर से यहां पर आ गया इज आर आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और चूंकि इरादा है, इरादा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, इरादा तो हमेशा फ्यूचर का ही होता है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इज आर एम के साथ टू प्लस, है ना, टू प्लस वी वन, और बाकी ये तो मीनिंग है मेक मिसचीफ या डू मिसचीफ, ठीक है? डू मिसचीफ ज्यादा कॉमन है। तो आप ये देख चुके कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानते हैं हिंदी में, कैसे पहचानते हैं अंग्रेजी में, और कौन कौन से ऐसे हालात हैं जीवन के जिनमें बिना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के गुजारा नहीं, राइट है कि रॉन्ग है? अब आपका सवाल होगा क्या इतने ही हालात हैं? नहीं, और भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच। ये है वोकैबुलरी विद करेक्ट स्पेलिंग। आज के रूटीन में हम लोग का करेक्ट स्पेलिंग चल रहा है, ठीक है? पेज नंबर 98 सब लोगों ने बुक में खोल लिया है। पेज नंबर 98 जब आपने खोल लिया है तो उसमें आपको जो पहला वर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है पता है? Abandon, abandon का मतलब क्या होता है? त्याग देना। जो लोग नहीं जानते लिख लीजिए।
त्याग देना, छोड़ देना, मतलब किसी किसी आदमी को यदि हम लोग अबैंडन कर देते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते हैं कि वो दुख में है कि मुसीबत में। किसी घर को अबैंडन कर देते हैं तो परवाह नहीं करते हैं कि वो ढह रहा है कि गिर रहा है कि क्या हो रहा है। क्लियर है? जब किसी अपने पालतू जानवर को, कुत्ता वगैरह को अबैंडन कर देते हैं तो उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, कौन मार रहा है, कोई खाना दे रहा है कि नहीं, उसको ठंड लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, ध्यान नहीं देते। अबैंडन समझ गए? मतलब अबैंडन में छोड़ना सिर्फ शरीर से छोड़ना, एकदम मन से त्याग देना, मन से त्याग देना, राइट। चलिए अगला वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, जी, ठीक है। फिर उसके आगे है एकॉम्प्लिशमेंट। एकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है सफलता। नेक्स्ट है, इसमें स्पेलिंग सब सही लिखा हुआ है, क्लियर है बात, आपको याद करना, और मीनिंग हम लिखवा रहे हैं आपको। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। एडिक्वेट का क्या मतलब होता है? पर्याप्त। फिर है एडवाइस, सीई वाला है ना, इसका मतलब होता है सलाह, नाउन है ये। और उसके जगह यदि एसई रह जाए तब क्या मतलब हो जाएगा? सलाह देना, वर्ब हो जाएगा। एसई रह जाएगा सीई के जगह तो क्या हो जाएगा? सलाह देना। क्लियर है? कुछ बच्चों को नहीं पता चल रहा कैसे लिखे, सीधे बुक में लिखिए, जी बुक में ही लिखिए, पेंसिल से, पेन से, कुछ से, क्लियर है? पेन से लिखिए। चलो अल्टरनेटिव, ऑप्शन, विकल्प। अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन या विकल्प, जी दोनों, विकल्प हिंदी है, ऑप्शन जो है इंग्लिश है, ठीक है। एंसेस्टर वो अल्टरनेट होता है, जी, जिसको आप बोलना चाह रही कि जैसे मंडे को हुआ तो ट्यूजडे को नहीं वेंसडे को हो रहा है, फिर थर्सडे को नहीं फ्राइडे को हो रहा है, इसको ना, इसको अल्टरनेट कहते हैं, क्लियर है, कंफ्यूज ना हो। एंसेस्टर पूर्वज, पूर्वज समझते हैं हमारे पहले वाले लोग, नेक्स्ट पिछले जनरेशन वाले लोग। असिस्टेंस मदद सहायता। अटेंडेंस हाजिरी उपस्थिति, ठीक है, हाजिरी उर्दू है, उपस्थिति हिंदी है, बस इतने फर्क है, क्लियर है। नेक्स्ट है बैगेज, बोरिया बिस्तर, हाँ कि नहीं। यदि किसी के लिए हम लोग मन में बैगेज रखते हैं तो उसके लिए नाराजगी या कुछ बुरे विचार रखते हैं, क्लियर है। चलिए बिस्किट, बिस्किट का हिंदी क्या होगा? बिस्किट ही होगा। बुके, देखिए टी साइलेंट है इसमें, बुके मतलब गुलदस्ता। ब्यूरो, ब्यूरो मतलब ब्यूरो, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, चीफ ऑफ ब्यूरो, सुने कि नहीं, ब्यूरो इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट है कैपेबल, कैपेबल मतलब सक्षम। सैलरी पादरी को कहते हैं, पादरी समझते हैं, पुजारी जो है ना, जी। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, चरित्र, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है कमिटेड, ब्यूरो मतलब ब्यूरो, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आप हिंदी ना करें तो बेहतर होगा। पादरी प्रीस्ट, पीछे से कैसे छूट रहे, इतना तो आराम से चल रहे हैं। कैरेक्टर हो गया, कमिटेड, यदि आप कमिटेड हैं तो किसी को वचन दे चुके, वचनबद्ध, वचनबद्ध, कमिटेड रिलेशनशिप मतलब आपने उसमें वचन दे दिया है कि हम किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, जी, अनुभव है आप लोगों को। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब सुयोग्य, हाँ सुयोग्य मतलब बहुत इफिशियंट, जैसे कॉम्पिटेंट टीचर, उसको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आता है और समझाना भी अच्छे से आता है, कॉम्पिटेंट टीचर, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ, ये जो लिखा हुआ है एक और कॉम्प्लीमेंट होता है, आप देखिए इसमें एल के बाद क्या लिखा है, आई है तो इस प्रशंसा या तारीफ, और एल के बाद ई रह जाए कॉम्प्लीमेंट तो पूरक है ना। आगे बढ़े, कंडक्टर, कंडक्टर किसको कहते हैं, जो बस में रहता है ड्राइवर के साथ उसकी मदद करता है, एक एक तो वही मीनिंग हो गया कंडक्टर, और एक मीनिंग और होता है कंडक्टर का फिजिक्स में,
जिसमें से होके इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, है ना, उसको सुचालक कहते हैं, है ना, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट, सुना आपने। चलिए, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्यों दिया गया है, गौर से सुनिएगा। स्पेलिंग टेस्ट में कंट्रोल का स्पेलिंग क्या होता है बताइए, CONTROL कंट्रोल होता है, और जब ING जोड़ते हैं तो डबल L हो जाता है, बहुत सारे बच्चे डबल L नहीं करते हैं, इसीलिए कंट्रोलिंग को दिया गया, क्लियर है। तो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रक, बोले नियंत्रक क्यों बोले, तो जितना भी V4 है ING वाला वो एडजेक्टिव का काम करता है कि नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसीव धोखा देना, क्लियर है, डिसेंडेंट वंशज, आगे आने वाली पीढ़ी को डिसेंडेंट कहते हैं, आना बोलो ना भाई, डिस्करेज हौसला तोड़ देना, कभी कभी कोई आदमी आपको कुछ उल्टी बातें बोल देता है, आप पूरा मेहनत से काम करते करते हताश हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा यार लगता है, राइट है, डिस्करेज कर देता है कुछ लोग आपको, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिस्करेज करें, उनसे मिलिए ही मत, क्लियर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है ड्रेडफुल, भयानक, भयानक समझते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगे, जिसको देख के अच्छे अच्छे ख्याल आए, अरे फिर नहीं सर, सर का बात काटता है, लिख लिए, एम्बैरस, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा करना, ठीक है, एम्बैरस फीलिंग को हम समझा दें, लड़कियों के लिए अलग से समझाएंगे, लड़कों के लिए अलग, दो परिस्थितियां होती हैं, एक पहली परिस्थिति लड़कियों के लिए एम्बैरस हो जाती है, चलते चलते सैंडल टूट जाए रास्ते में, और आसपास कोई जोड़ने वाला भी दिखाई ना पड़े, एम्बैरस होते हो कि नहीं, अब ऐसे चलते हो, राइट, लेकिन अक्षय कुमार ने आप लोगों को बता दिया है नमस्ते लंदन में, जियो मेरे लाल, लड़कों के लिए एम्बैरस, एकदम सूट बूट झाड़ के मेरे जैसा टिप टॉप जा रहा है, आपको बोले भाई साहब जैसा जिप देख लेना, एम्बैरस हो जाते हो कि नहीं, जी सर, चलिए आगे, एनक्लोजिंग सटा हुआ, हाँ, सी आपका क्लासरूम ये है ना, और आपके क्लास का ऑफिस एनक्लोजिंग है कि नहीं एकदम, चलिए, एक बाथरूम रहता है तो उसको अटैच्ड बोलते हैं, हाँ कि नहीं, चलिए नेक्स्ट, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण या माहौल, पर्यावरण बोल सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है, एकदम पीसफुल है कि नहीं, कोई नॉइज नहीं, लेकिन जिस जगह पे हम पहले पढ़ा रहे थे वहां पे बहुत नॉइजी था, बहुत गाड़ियां आती थी देखली घाट में, ठीक है, वो भी अच्छा जगह था, वहां पे बहुत सारे बच्चे आसानी से पहुंच जाते थे, उस मामले में अच्छा था, लेकिन नॉइजी था, पीसफुल नहीं था एनवायरनमेंट वहां का, राइट, यहाँ बहुत पीसफुल, एकदम पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट है एविडेंट, एविडेंट मतलब स्पष्ट, क्लियर, एविडेंट का मतलब स्पष्ट या क्लियर, वो एविडेंस होता है, सबूत होता है, उसी से बना, सेम खानदान का है दोनों, एविडेंस नाउन है और एविडेंट एडजेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक ही खानदान का है दोनों, है ना, एक खानदान में बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई दादा होता है, कोई चाचा होता है, कोई पापा होता है, उसी तरह वर्ड में भी खानदान चलता है, एक ही खानदान में कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, सच्ची बता रहे, इन लोग को लग रहा है कि सर मजाक करते हैं हर बात में, मजाक नहीं कर रहे बच्चे, तुम्हारा चेहरा तो बोल ही रहा था। एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, इसमें है नहीं बस बता दिए, वो भी सेम खानदान, एविडेंस, एविडेंट, एविडेंटली, तीन, एक खानदान से कितने लोगों को जान गए हम लोग, उस खानदान से गहरा रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया, तो? स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव, महंगा, है ना, आप में से कितने लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं सर कमाते ही नहीं है, कहां से होगा कमाने पर तो पक्का हो जाएगा, हाँ कि नहीं, पहला एक दो साल एकदम एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल आदमी जीता है, फिर ब्याह कर दिया जाता है चीजें समझ में आ रही है आपको, बड़ा जल्दी समझ गया कि ब्याह कर दिया जाता है, अच्छा अच्छा हाँ, इज टेलिंग लाइफ, क्लियर है बच्चों। तो ये था आज का वोकैबुलरी, आज इतना ही, बाकी चीज अब हम लोग अगले दिन बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच।